हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसवा एकेडमी, द रेस ऑफ चैंपियन। मैं अशोक आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ अब की बार आईआरटी एंड पॉलिटेक्निक पार, और स्वागत करता हूँ इस स्मार्ट क्रैश कोर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सारी चीजें सीखी जाएंगी जो आपके एग्जाम में आपके लिए नंबर गेनिंग है, आपके सिलेक्शन को सिक्योर करेंगी। तो टर्मिनोलॉजी पहले सीख लेते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी है जो इस चैप्टर में हमें यूज करनी है। चैप्टर का नाम जैसे साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन हम डायरेक्ट इसको नहीं निकालेंगे। पहले हमें इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है जो पता होनी चाहिए, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है वो पहले हम देख लेते हैं। इसमें यूज होने वाला है पहला वर्ड मूलधन। मूलधन कैसे होगा, क्या होगा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्रिंसिपल इसको शो करेंगे हम लोग पी से। किसी भी क्वेश्चन में जहां पे पी डिनोट किया जाए, आप समझ जाएंगे कि ये साधारण ब्याज के रिलेटेड यानी कि मूलधन से संबंध रखता है। दूसरा होता है, चलिए पहले समझ लेते हैं कि मूलधन होता क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो मूलधन जो भी धन हम किसी से लेते हैं या उधार के रूप में देते हैं वह धन मूलधन कहलाता है। जी हाँ, जो भी हमारे पास पैसा हो, मनी हो, उसको हम किसी को या तो दे या ले, वो हो जाएगा मूलधन। और दूसरा इसमें होता है समय। समय को हम लोग डिनोट करेंगे टाइम यानी कि टी से। तो टाइम क्या होता है साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज में, टाइम हम लोग बोलेंगे जितने समय के लिए कोई मूलधन किसी व्यक्ति को दी जाए या उससे उधार के रूप में ली जाए वो होगा समय। जैसे 2 वर्ष के लिए दिया जाए या लिया जाए। तीसरा टर्मिनोलॉजी आता है दर। दर यानी कि रेट, रेट यानी कि इंटरेस्ट। तो रेट क्या होता है, रेट वह होता है जिस दर पे कोई मूलधन को, किसी मनी को, किसी धन को, किसी व्यक्ति को दिया जाए उसे हम बोलेंगे रेट। जैसे किसी को 10,000 रुपए 5% ब्याज की दर पे दे दिया जाए, तो यहाँ पे दर क्या है 5%, यानी इसको डिनोट करेंगे आर परसेंटेज से। तो दर वह होता है जिस रेट पे, जिस पे हमें ब्याज मिलती है। रेट वही होती है जो हमें ब्याज दिलाती है। इस चैप्टर में हमें ब्याज ही पढ़ना है, और साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों तरह के ब्याज पढ़ेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। तो मैं बता दूं, साधारण ब्याज वह होता है जो किसी मूलधन पे 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए उस एक समान होता है। एक समान होता है, कहने का मीन साधारण ब्याज जब भी कहीं निकालना हो तो हम लोग लिख सकते हैं साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यानी कि मूलधन पे जिस रेट से हम 1 वर्ष के लिए ब्याज देंगे उस अपॉन 100। 100 क्या है, 100 यहाँ पे परसेंटेज को शो कराता है। जी हाँ, जिस भी किसी भी संख्या के नीचे 100 हो जाए, जैसे 10 के नीचे 10/100 हो जाए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10%, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू ही होती है 100 यानी कि 1/100। तो साधारण ब्याज इसका फार्मूला भी बन गया, इस फार्मूले का भी यूज होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। क्वेश्चन कैसे बनेंगे सर, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखिए दे देगा कि कोई व्यक्ति है 10,000 रुपए 1 साल के लिए किसी को उधार के रूप में देता है और उस पे 10% मुनाफा कमाता है या ब्याज कमाता है, तो 1 वर्ष ब्याज उसको कितना पैसा वापस मिलेगा। जी हाँ, इसको आप खुद से भी रिलेट कर सकते हैं कि आप किसी से 10,000 रुपए उधार के रूप में ले रहे हैं और वो बोलता है कि मैं 10,000 तो आपको दे दूंगा लेकिन मुझे इस पे 10% ब्याज चाहिए। यानी कि ब्याज कितना चाहिए, 10%। आपने लिया कितना, 10,000 रुपए, और कितने समय के लिए, टाइम कितना है, 1 वर्ष। तो आपको 1 वर्ष बाद जब वापस उस व्यक्ति को आप धन वापस करेंगे, रेट या वापस करेंगे, तो कितना पैसा आपको वापस देना होगा। तो इस फार्मूले से तुरंत आप निकाल सकते हैं कैसे, कितना पैसा आपने लिया था, बोलेंगे 10,000। किस रेट से लिया था, बोलेंगे 10% के रेट से, और कितने समय के लिए, 1 ईयर, और 100 से डिवाइड कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 100 को गुणा 10 में करेंगे यानी कि 1,000। ये क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि इतना आपको ब्याज देना होगा। 10,000 तो आपने लिया था वो अलग है, वो मूलधन है।
लेकिन ये क्या है, ये ब्याज है, आपको 1000 रुपए ब्याज के रूप में एक्स्ट्रा देना होगा। यानी कि अब आपको कितने पैसे वापस करने होंगे, तो जितना लिए थे आप मूलधन वो तो वापस करना ही होगा, साथ ही साथ आप जो ब्याज उस पे बन रहा है ब्याज भी वापस करना होगा। तो कुल कितना धन वापस करना होगा उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन कहने का मीन्स मूलधन में, डेफिनेशन के हिसाब से समझिए, मूलधन पे और उस पे ब्याज को अगर हम लोग ऐड कर दे तो वो हो जाएगा मिश्र धन। तो मूलधन कितना था, आप बोलेंगे हमने 10,000 लिया था और ब्याज कितना आपको देना है 1000, तो आपको कुल कितने पैसे वापस करने होंगे, तो आप बोलेंगे सर 11000। 11000 अब आपको पैसे वापस करेंगे। इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं साधारण ब्याज के। देखिए इसके लिए ट्रिक भी है, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, अगर इसी को ट्रिक से करना हो तो कैसे कर सकते हैं चेक करिए। इसके लिए सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जब भी किसी को प्रिंसिपल पे मूलधन पे दर दिया हो और 1 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद समय के साथ जितना भी उसका मिश्र धन ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, पी गुणे 100+R बाई 100। बस ये सिंपल फार्मूला यानी कि ट्रिक कर सकते हैं, इसको आप लगा लीजिए एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। मूलधन कितना था इसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 11000 रुपए वापस करना पड़ रहा है, इस प्रश्न में देखिए कैसे 11000 वापस करना पड़ रहा है या नहीं। तो देखिए मूलधन दिया 10000, लिख दीजिए 10000, 100+R, दर कितना दिया था 10% ना, तो जब 100 में 10 को ऐड करेंगे तो 110 हुआ ना, 110 हुआ कि नहीं, यही हमें समझना है कि जितना रेट रहे 100 में उसको जोड़ देंगे ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 110/100। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो 1000 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11000। यही तो लाना था, देखिए इस वाले फार्मूले से भी ये हुआ और ट्रिक से भी एक सेकेंड में यानी कि 1 मिनट में आप कई क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ट्रिक भी आपको याद होनी चाहिए, ये जनसंख्या वाले आधारित प्रश्न आएंगे उसमें भी यूज होगा, बहुत ही काम का ये ट्रिक है, इसको आप समझते रहिए। तो ये हो गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अब हम लोग सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो चलिए देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो आइए देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। उससे पहले हमने साधारण ब्याज पढ़ा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज वह होता है जब निश्चित समय के बाद साधारण ब्याज पे भी ब्याज मिलने लगे तो उसे बोलेंगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। कहने का मीन्स ये, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि उसको 1000 रुपए ब्याज के रूप में देना पड़ रहा था, तो अब 1000 रुपए पे भी हमें ब्याज देना होगा। जैसे अगर हम 10000 रुपए वापस नहीं किए समय पर, 11000 रुपए वापस करना था 1000 ब्याज के रूप में, अब हमें क्या होगा कि 11000 रुपए टोटल पे 10% का चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। तो यही होता है कि जब साधारण ब्याज पर भी ब्याज हमें देना पड़े उसको बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज पे भी जो ब्याज लगे, कहने का मीन्स ये है ब्याज जितना बना अब उस पे भी हमें ब्याज देना है। चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होता है ये जान लीजिए, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन को जब हम ऐड कर देंगे तो चक्रवृद्धि मिश्र धन हमें मिल जाएगी। कहने का मतलब मिश्र धन बराबर क्या होगा, फार्मूले आपको पता होना चाहिए, इसलिए फार्मूला भी आपको बताते चल रहा हूँ साथ में। मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, देखिए इसके लिए आप मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा। या तो आप चक्रवृद्धि जब मिश्र धन निकालेंगे, ये तो साधारण ब्याज के लिए था, साधारण ब्याज के लिए पहले देखते हैं क्या होता है। मिश्र धन बराबर होता था मूलधन, दोनों को डिफरेंस समझना है तो दोनों को साथ साथ पैरेलल में देखना पड़ेगा। मूलधन में जब हम ब्याज, ये कौन सा ब्याज है, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज जब मूलधन में जोड़ देते थे तो मिश्र धन हो जाता था, किस कंडीशन में, साधारण ब्याज की कंडीशन में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन में क्या होगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो इसके लिए देखिए इस वाले कंडीशन के लिए कि चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, फार्मूला भी आपको साथ ही साथ पता होना चाहिए, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है पी यानी कि मूलधन ब्रैकेट में 1+R/100 के पावर में टी या समय।
ये फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज करके आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है, यानी कि दो वर्ष तीन वर्ष जितने का भी दिया रहे कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल फार्मूला आपके सारे क्वेश्चन को डाउट्स को क्लियर करने वाला है। तो इस फार्मूले को आप अच्छे से याद रखिए, ये बहुत ही काम का फार्मूला है। इस फार्मूले से हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल सकते हैं। अब आती है बात कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, कि कितना ब्याज मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर देखिए यहां से ही बन जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होता है, आपको पता है कि मिश्र धन में से मूलधन को हम घटा देते हैं तो ब्याज मिल जाता है। तो यहाँ पे मूलधन की जगह क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन है ना, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन इसमें से क्या माइनस करेंगे। आप बोलेंगे सर आप मूलधन को माइनस कर लीजिए, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन को जब माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा, आप बोलेंगे कि वही चक्रवृद्धि ब्याज है। ये हो गया चक्रवृद्धि मूलधन। तो चीजें ये फार्मूला एक आप यहां आपको मिला कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे, और मिश्र धन जब मिल जाएगा तो जो आपका प्रिंसिपल रहेगा उसी को आप माइनस कर देंगे, आपको मिल जाएगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए कभी कभी कंडीशन दे देता है, ये सब जितने भी ब्याज हम लोग निकाले हैं यानी कि आर परसेंटेज जो हम लोग निकाल रहे थे, ये वार्षिक के लिए है। किसके लिए है, वार्षिक के लिए है, हाँ ये वार्षिक पे ऐड होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में घुमा के दे देता है कि वार्षिक ना हो के छमाही हो तिमाही हो, तो कैसे हम निकालेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको दो चीजें समझनी है कि छमाही के लिए क्या कंडीशन होगी और तिमाही के लिए क्या कंडीशन होगी। तो अंतर हो जाता है, क्या अंतर होता है कि अगर ब्याज यानी कि ब्याज जब छमाही हो, ब्याज जब छमाही ऐड हो तब क्या हो, छमाही, ब्याज जब छमाही, छमाही मतलब छह महीने का, टोटल वर्ष में होते हैं बारह महीने, छह महीने यानी आधा हुआ ना, तो रेट हमारा क्या होगा, आर बाई टू हो जाएगा। रेट को हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग से आप समझिए, जब छमाही दर हो, जब छमाही दर दिया हो, क्वेश्चन में दिया रहता है, आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो जब छमाही दर दिया हो तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमारा दर को हम दर बटे दो कर देंगे, यानी कि दो से भाग दे देंगे, और समय को क्या करेंगे, समय को दूना कर देंगे, यानी कि समय को टू यन, टी से दिखा रहे हैं तो टू टी हो जाएगा, यन से दिखा रहे तो टू यन। कहने का मीन्स ये है, जब छमाही दिया हो उस कंडीशन में हमारा दर आधा हो जाएगा और समय दूना हो जाएगा, यानी कि जब तिमाही दिया हो, जब तिमाही दिया हो, तिमाही दर दिया हो, दर दिया हो, कर क्या रहे हैं हम इसमें, कर ये रहे हैं कि ये छमाही से हम इसको वार्षिक में बदले। अब ये क्या है, ये वार्षिक हो गया है, दिया तो था क्या छमाही में, हम इसको r बाई टू करके वार्षिक में ले गए। इसी तरह जब तिमाही में दिया हो तो उस कंडीशन में दर के लिए हम फार्मूला लगाएंगे r बाई फोर, r बाई फोर कर देंगे, यानी कि दर पे चार से भाग कर देंगे तो हो जाएगा आपके लिए वो वार्षिक में। इसी तरह समय हो जाएगा, समय क्या होगा, समय में चार से गुणा कर देंगे, यानी फोर गुणे टी, समय में चार से गुणा कर देंगे और रेट में चार से भाग कर देंगे। अब ये हो गया क्या, किसके कंडीशन में, वार्षिक के लिए, क्योंकि जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ये सारे फार्मूले वार्षिक के लिए अप्लाई होते हैं, इसलिए हमें पहले रेट को और समय को वार्षिक में कन्वर्ट कर लेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दे सकता है कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि यदि ब्याज की दर छमाही हो वो भी 10%, क्वेश्चन एक ले लेते हैं, आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया है। दिया है क्वेश्चन यदि ब्याज छमाही दे हो, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि दिया क्या है और करना क्या है। क्वेश्चन लिया गया है यदि ब्याज छमाही दे हो, यानी कि ब्याज को छमाही दे हो तो 8000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक सही एक बटा दो वर्ष, यानी कि डेढ़ वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर होगा। एक ही क्वेश्चन में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के अंतर
सभी को क्लियर करने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिए, आ रहा है तो साथ ही साथ सॉल्व कीजिए और आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में शो कीजिए कि हम सर किए थे मेरा इतना आया था। तो देखिए दिया क्या है कि ब्याज छमाही दिए हो, हम क्या बोले थे कंडीशन कि जब छमाही दिया हो तो दर को हम लोग क्या करेंगे, दर में क्या होगा कि जो दर दिया हो उसमें दो से भाग कर देंगे। तो दर कितना दिया है, 10% दिया है ना, तो 10% में दो से भाग दे देंगे यानी कि 5% ये हो गया दर। और समय, समय क्या हुआ, समय में हम क्या बोलते थे कि समय को क्या करेंगे दूना कर देंगे, दूना कर देंगे। तो यहाँ पे समय दिया है कितना, एक सही एक बटा दो दिया है ना, डेढ़ वर्ष है तो डेढ़ वर्ष का दूना कितना होगा, आप इसको एक सही एक बटा दो को कन्वर्ट कर दीजिए, दो एकम दो एक तीन यानी कि तीन बटा दो वर्ष। या इसको कह सकते हैं हम लोग जब दूना करेंगे, दूना के कंडीशन में क्या, दो से गुणा कर देंगे, दो से गुणा करेंगे तो दो से दो कट गया यानी कि तीन वर्ष आया। जी हाँ, तो समय कितना हो गया तीन वर्ष और दर कितना हो गया 5%। तो 10% से 5% हुआ और समय तीन वर्ष। अब हम साधारण ब्याज निकाल देंगे इसी रेट पे इसी समय के लिए और उसी पे चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालेंगे। तो देखिए साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज, ब्याज इसलिए निकाल रहे हैं कि दोनों का अंतर पूछा है तो पहले अलग अलग हमें ब्याज निकालना होगा, फिर उसके बाद अंतर निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन कितना दिया है, 8000 दिया है ना, तो लिख दीजिए 8000 गुणे दर, दर कितना रखेंगे 5 गुणे समय, समय कितना है 3 वर्ष बटा 100। तो 20 से 20 कैंसिल हुआ, 5 × 15 = 120 और एक जीरो इसका बचा है तो 1200 रुपए साधारण ब्याज हमें देना होगा, किसके लिए 8000 रुपए पे 3 वर्ष का। अब देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालिए, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल के तो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या हम बताए थे, P1+R/100n या T। n क्या है, यहाँ पे समय है तो P मूलधन है, मूलधन रख दीजिए 8000 रुपए है, ब्रैकेट में 1+। दर कितना है, अब आप बोलेंगे कि दर 5% है यानी 5/100 के पावर में समय, देखिए कितना नाम रख रहे हैं 3, जबकि यहाँ पे दिया कितना है 1 × 1/2। इसी चीजों को हम सबको हमको समझना है कि कब इसको कन्वर्ट करेंगे कब डायरेक्ट करेंगे। तो जब छमाही दिया हो तिमाही दिया हो इस कंडीशन में पहले हम उसको वार्षिक में चेंज कर लेंगे फिर ये फार्मूला लगाएंगे, उससे पहले करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन आंसर मैच नहीं करेगा आपको। तो ये देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, 8000 गुणे 5 से काट दीजिए 100 को 20 बार में, 20 का गुणा 1 में किए 20 और यहाँ पे 21/20 यानी 21/20 का क्यूब है, क्यूब है तो इसको तीन बार हम लोग लिख सकते हैं यानी कि 21 × 21 × 21 / 20 × 20 × 20। तो 1 0 2 0 3 0 3 0 कैंसिल हो गया, यहाँ का 2 × 4 × 8 इससे भी ये कैंसिल हो गया यानी 8 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 21 × 21 × 21। जब इसका गुणा करेंगे तीन बार तो आ जाएगा 1261 रुपए। ये क्या है 1261 रुपए आएगा आपका। अब देखिए हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन देखिए पूछा क्या है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, सॉरी इसको जब गुणा करेंगे तो आएगा 9261 आएगा तीन बार गुणा करेंगे तब। तो ये क्या है चक्रवृद्धि मिश्र धन आया है, चक्रवृद्धि मिश्र धन हमें जब पता हो गया तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं कि नहीं, कैसे निकालेंगे, ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन से मूलधन को माइनस करते थे ना, यानी कि 9261 में कितना माइनस कर देंगे, आप बोलेंगे मूलधन यानी कि 8000 को, तो आ जाएगा 1261 यानी कि 1261 आ गया क्या चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज कितना है 1200 रुपए। इन दोनों का अंतर ही तो पूछा है कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा, तो अंतर निकाल दीजिए, अंतर कितना होगा 1261 में से माइनस कर दीजिए कितना 1200 रुपए यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में से हम साधारण ब्याज को माइनस कर दिए तो कितना बच रहा है 61 तो बचा यानी कि 61 रुपए इसका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन बड़ा इसलिए था, इसको इसलिए लिया गया है कि इसमें तीन चीजें हमने सीखा, साधारण ब्याज निकालना भी इसी क्वेश्चन में हो गया, चक्रवृद्धि मिश्र धन भी हम लोग निकाल लिए,
चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाले और इन दोनों का अंतर भी निकाले। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे हम लोग सीखेंगे कि जब मूलधन अपने का n गुना हो जाए तब क्या होगा। दिया रहता है कि कोई धन 4 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 6 गुना होगा, 8 गुना होगा, 10 गुना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, जब अपने का n गुना हो जाए, क्या जब धन अपने का n गुना हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इससे आसान इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। इसके लिए बस आप एक ट्रिक याद रखिए, जब धन अपने का n गुना हो जाए, दिया रहता है कि 3 वर्ष में अपने का 10 गुना हो रहा है, तो कितने वर्ष में अपने का 20 गुना हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जब मिलेंगे तो पहले आप रेट निकाल सकते हैं। रेट के लिए होता है n माइनस 1/100। n क्या है, कितने गुना हो रहा है, और 100 आपको पता है ये संख्या है, 1 भी संख्या है। जब अपने का गुना हो, कितने वर्ष में या किस रेट से हो रहा है, इसके लिए निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला यहाँ से बन सकता है कि समय कितने समय हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 100 ना हो कि टी होगा, क्योंकि ये टाइम और रेट में संबंध होता है। जब समय पूछ देगा तो समय बराबर होगा n माइनस 1/ में r। देखिए n माइनस 1 वही है, r नीचे आ गया। अब सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहले आप इसको समझिए कि जब कंडीशन रहेगा ऐसा तभी करेंगे। दिया रहता है कोई धन इतने समय में इतना गुना हो जा रहा है, तो कितने समय बाद इतना गुना होगा। कहने का मतलब जब इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आर बराबर रेट बराबर होगा एन माइनस 1/T। और दूसरा समय जब पूछेगा कितने समय में, तो इसको लगा सकते हैं, आर को नीचे भेज दिए, टी को ऊपर ला दिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन समझिए, देखिए कैसे दिया रहा है। क्वेश्चन कह देगा कोई धन 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कोई धन 6 वर्ष में यानी कि 6 ईयर में कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना। क्वेश्चन दे देगा कि कोई धन है जो 6 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, आप कैसे कर सकते हैं इसको, कर रहा है आ रहा है तो करते रहिए साथ ही साथ। देखिए कैसे होगा, क्वेश्चन दिया है कि कोई धन है 6 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्ष में 8 गुना होगा। कैसे करेंगे, इसी फार्मूले से लगा दीजिए। तो लगा सकते हैं आप, इसको T1 वर्ष मान लीजिए, इसको T2, दोनों का रेशियो लिख दीजिए, यानी कि 6 वर्ष में हो रहा है 8 गुना अपॉन, यानी कि 6 वर्ष में 3 गुना हो रहा है ना, 3 गुना, n का मान कितना है 3, 3 में से घटाएंगे 2, यानी कि 6/2, और रेशियो वाला फार्मूला लगा दीजिए, यानी कि 6/ समय क्या है, यहाँ पे x है ना, यानी 6/x बराबर 8 गुना करना है, तो 8, यानी कि 8 में से 1 माइनस करेंगे 7। इस तरह से देखिए 6 वर्ष में 2 गुना, तो कितने, सॉरी 3 गुना कहा था ना, तो 3 गुना में जब माइनस 1 करेंगे तो 2 ही बचा, 8 गुना कर रहा है, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 ही तो आएगा। देखिए इसका इधर गुणा कर दीजिए और इसको इधर लेते हैं, तो 6 × 7 = 42 और 2 से भाग दे देंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 42/2, यानी कि आया कितना, 21 वर्ष। 21 वर्ष आया ना। इसी तरह से प्रश्न पूछेंगे कि कोई धन है 6 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्ष में 8 गुना होगा, तो आप बोलेंगे 21 वर्ष में। हाँ, इस तरह से प्रश्न आपको मिलेंगे, आपको करना है। कभी कभी यहाँ पे समय न पूछ के रेट पूछ लेता है, रेट पूछ लेता है तो भी ये फार्मूला लगा देंगे, समय पूछेगा तो ये भी फार्मूला लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कैसे प्रश्न और पूछ सकते हैं इस चैप्टर से। अब देखिए क्वेश्चन एक और बनता है इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से, क्या बनता है, जब ब्याज पहले वर्ष R1% दूसरे वर्ष R2% तथा तीसरे वर्ष R3% बढ़े या घटे, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा ब्याज या मूलधन, 4 वर्ष बाद क्या होगा। यहाँ पे R1, R2, R3 3 वर्ष लिया गया है, मतलब अलग अलग रेट से बढ़े, पहले वर्ष कुछ बढ़ा, दूसरे वर्ष हो सकता है बढ़े या घटे, तीसरे वर्ष हो सकता है फिर बढ़े या घटे। R1 का मान अगर घटेगा तो माइनस में लेंगे, बढ़ेगा तो पॉजिटिव में लेंगे, तो 3 वर्ष बाद कुल जनसंख्या या कुल रेट या कुल मूलधन कितना होगा, जनसंख्या से रिलेटेड रहेगा तो जनसंख्या देंगे। क्वेश्चन जनसंख्या से कैसे पूछेंगे, दे देगा कि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ती है, पहले वर्ष 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 5% घटती है, तीसरे वर्ष पुनः 20% बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या दे देगा कि किसी टेलीविजन की कीमत पहले वर्ष
10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 5% कम होती है, तीसरे वर्ष 20% बढ़ती है, तो तीसरे वर्ष के बाद उसका मूलधन या मिश्र धन क्या होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए इस कंडीशन में जब भी हमें मिले तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर ए क्या है, मिश्र धन है तीन वर्ष के बाद का, यानी कि ब्याज या रेट कम और ज्यादा होने के बाद की संख्या, यानी कि पी ब्रैकेट में तीनों को अलग अलग करेंगे क्या 100 + R1/100। पहले वर्ष के लिए पूछेगा तो इतना ही होगा, दूसरे वर्ष के लिए है तो इसमें 100 + R2/100 कर दीजिए, तीसरे वर्ष का भी पूछे तो 100 + R3/100। क्वेश्चन क्या बनेगा इस पे क्वेश्चन भी आपको दिखा रहा हूँ कैसे ये फार्मूला यूज होगा। सेम क्वेश्चन देते कि किसी वर्ष की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 10 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। यदि वो उसकी जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ रही है, दूसरे वर्ष 5% घट रही है, तीसरे वर्ष पुनः 20% बढ़ रही है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी उस गांव की। तो इस क्वेश्चन से इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, फार्मूला यूज कर दीजिए। क्या है पी, क्या है मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी 10,000, तो लिख दीजिए 10,000। अब क्या बोले 3 वर्ष का दिया है ना, 100 + R1 क्या है पहले वर्ष के लिए क्या दिया है 10, तो इसमें 10 जोड़ देंगे बटा 100। दूसरे वर्ष क्या हो रही है 5% घट रही है जनसंख्या ना, तो 5 माइनस कर देंगे यानी 100 में से 5 को माइनस कर देंगे बटा 100। तीसरे वर्ष के लिए 20% बढ़ रही है यानी कि 100 + 20/100। तो इस तरह से हो गया ए बराबर 1000, सॉरी यहाँ पे 10,000 था तो 10,000 लीजिए, 1000 आएगा तो 1000, यहाँ पे जनसंख्या 10,000 ली गई थी इसलिए 10,000। अब 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 110/100 गुणे 100 में से -5 करेंगे तो 95/100 गुणे 20 जोड़ दीजिए 100 में तो 120/100। इस तरह से देखिए 2 0 2 0 2 0 6 0 है, 4 0 तो यहाँ से कैंसिल कर दिए, 4 0 तो यहाँ से कैंसिल कर दी, 1 0 ये 1 0 ये, यानी कि नीचे का टोटल कैंसिल हो गया, 6 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या 11 × 95 × 12। आप इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कितना आंसर आ रहा है इसको। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 95 × 12 तो आ जाएगा 12,540। जी हाँ 12,540, यानी कि 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 10,000 से बढ़ के 12,540 हो जाएगी। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछते हैं और ये पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ क्वेश्चन लाया गया है ताकि चीजें आपको पता चले कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन क्या था कि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष 10% के रेट से बढ़ रही है, दूसरे वर्ष 5% की रेट से घट रही है जनसंख्या, तीसरे वर्ष पुनः 20% की रेट से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी 1240। अब देखिए इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा जिससे आपकी जो भी डाउट्स हैं सारे क्लियर होने वाले हैं। क्वेश्चन लिया गया है आपके लिए कि मोहन ने भारतीय स्टेट बैंक में 2 वर्ष के लिए 4,000 जमा किए, भारतीय स्टेट बैंक में 2 वर्ष के लिए मोहन ने 4,000 रुपए जमा कर दिए और 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले देखिए ब्याज क्या दिया है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से, यानी कि अर्धवार्षिक पूछ दिया तो हम तुरंत समझ जाएंगे क्या करना है, रेट को आधा करना है और समय को दूना। जब अर्धवार्षिक दे तो रेट को तुरंत आधा कर दीजिए, तो अब हमारा रेट कितना दिया था, पहले दिया है कितना 10% ना, ये 10% वार्षिक दिया है प्रतिवर्ष यानी कि वार्षिक दिया, हम इसको क्या करेंगे हाफ कर देंगे तो आ गया 5%। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, हम क्या बोले थे कि समय को क्या करेंगे, समय को क्या करेंगे 2 गुना, तो समय क्या था 2 वर्ष था तो 2 में 2 का गुणा कर दिया यानी कि 4 वर्ष हो गया। इस तरह से हमें रेट और समय पता हो गया, फार्मूला लगा दीजिए चक्रवृद्धि मिश्र धन का। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन के लिए फार्मूला क्या होता है हमने आपको बताया था, याद कीजिए फार्मूला, फार्मूला था
पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 के पावर में टी। टी क्या है? समय है। तो पी का मान क्या है? मूलधन है। मूलधन कितना जमा किया था? आप बोलेंगे कि 4000। और 1 प्लस आर का मान कितना हो गया? 5% ना, तो 5/100 पावर में समय कितना हो गया? 4। इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो 4000 5 से काट देंगे 100 को 20 में, तो 20 को गुणा इसमें करेंगे, यानी कि 21/20 के पावर में 4 है। 4 बार लिख दीजिए, 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन तो आपको खुद करना होगा, ये कैलकुलेशन पता होना चाहिए। 3 जीरो तो पहले कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि 3 जीरो कैंसिल हो गया, 2 × 4 ये गया कैंसिल। अब बचा क्या है? 4 नीचे बचा है और ऊपर। तो जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4862 4862.025 इतने रुपए हो जाएंगे, क्योंकि बैंकिंग का सवाल है तो पॉइंट में भी हम ले जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी मैच कर रहा है। तो कहने का मीन्स क्वेश्चन क्या हुआ कि 4000 जब जमा किया था तो उसके 2 वर्ष के बाद कितना उसका बैलेंस हो जाएगा? 4862 रुपए। यही भी पूछ सकता है कि कितना ब्याज मिला, तो ब्याज कितना मिला है? 4000 इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी कि 862 रुपए लगभग उसको ब्याज मिल जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लिया गया है आपके लिए कि कोई निश्चित धन 3 वर्षों में 575 तथा 5 वर्षों में 625 हो जाता है। कोई धन है जो 3 वर्ष में कितना हो गया? 575 रुपए, और 5 वर्ष में बढ़कर हो गया 625 रुपए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए कि किस रेट से वो बढ़ा होगा कि 3 वर्ष से 5 वर्ष होते होते वो 575 से 625 रुपए हो गए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे हमें मूलधन भी नहीं पता है, रेट भी नहीं पता है, रेट तो ज्ञात करनी है। तो मूलधन हम मान लेते हैं कि 1 रुपए है या कुछ भी है। देखिए 5 वर्ष में 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच कितना का अंतर हो रहा है, ब्याज कितना बढ़ रहा है? 575 से बढ़कर हो जा रहा है 625। तो ब्याज पहले देख ले रहा कि ब्याज कितना हो रहा है, कितना? 2 वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 625 माइनस 575 कर सकते हैं ना। 575 से 625 हो रहा है ना, बढ़ रहा है ना, इन्हीं को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना बढ़ा है, वही तो ब्याज होगा। तो इसको माइनस कर दीजिए 0 और 12 में से 7 गया 5, यानी कि 2 वर्ष में कितना बढ़ा? 50 रुपए। 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का ब्याज जब 50 रुपए है तो 1 वर्ष का ब्याज होगा कितना? आप बोलेंगे कि 25 रुपए होगा। जब 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपए है तो 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपए। यहाँ पे पूछा क्या है? पूछा क्या है कि 3 वर्ष स्टार्टिंग में दिया है, 3 वर्षों के लिए ना, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो हम बोलेंगे कि 25 × 3, यानी कि 3 वर्ष का ब्याज 75 रुपए होंगे। जी हाँ, 3 वर्ष का ब्याज 75 रुपए होगा, यानी कि जब स्टार्टिंग से हम लेंगे तो 3 वर्ष में कितना बढ़ा होगा? 75 रुपए। 75 रुपए बढ़े होंगे ना, तो कितना रहा होगा? मान लेते हैं कि पी रहा होगा, पी से बढ़कर हो गया कितना 3 वर्ष बाद 575 रुपए। तो मूलधन कितना है? मूलधन कैसे निकालते हैं? मिश्र धन से ब्याज को घटा देते हैं। मिश्र धन 3 वर्ष बाद कितना हुआ है? 575 ना, तो 575 में से माइनस कर देंगे ब्याज, जितना मिला था ब्याज कितना मिला है 3 वर्ष का? बोलेंगे 75, तो 75 लिख दीजिए, यानी कि मूलधन हमें मिल गया कितना? 500 रुपए। कैसे प्राप्त किए कि हमें पता नहीं कि स्टार्टिंग कितना है, लेकिन 3 वर्ष बाद का तो पता है ना, 3 वर्ष बाद का पता है कि 575 है, और हम ये भी पता कर लिए कि ब्याज कितना मिला है, तो ब्याज हमें 75 रुपए मिला है। ब्याज को निकाल दीजिए, मूलधन मिल जाएगा, तो मूलधन मिल गया। अब पूछा है कि ब्याज की दर, दर पूछा है, सिंपल सा फार्मूला लगा दीजिए साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज में जब हम लोग निकालते थे तो फार्मूला क्या था साधारण ब्याज का? आपको याद होगा कि PRT/100, यही ना फार्मूला था, यही फार्मूला था। तो पूछा क्या है? ये R की वैल्यू पूछी है, रेट पूछा है, तो साधारण ब्याज कितना है? 75 रुपए है, तो 75 लिख दीजिए, 100 का गुणा इधर कर दीजिए, 100/P को नीचे ले जाते हैं, तो P कितना है? P कितना है? मूलधन 500 रुपए, और T कितना है? समय कितना है? 3। R को यहीं पर रहने दीजिए, बराबर R होगा, ये R को इधर लिख दीजिए,
चीजों को कन्वर्जन सीखिए कैसे किया गया है, ये आपके एग्जाम में आपके लिए टाइम सेविंग करेगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर दे रहे हैं, 5 3 15 और 15 5 75 5 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि ब्याज की रेट आ गई कितनी, 5%। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन सही कौन सा होगा, 5% का। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछ देगा कि मूलधन इतना है तो 5% की दर से 2 वर्ष बाद कितना होगा, नहीं, ये भी पूछ सकता है लेकिन क्वेश्चन आप थोड़े लॉजिकली पूछने लगे हैं, इसलिए आपको चीजों को समझना होगा कि कैसे ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या दिया था कि कोई निश्चित धन 3 वर्ष में इतना हो जाता है, यानी कि पहले कुछ रहा होगा, ब्याज मिला होगा तब ना इतना होगा, ये क्या है, ऐसे मिश्र धन ही तो है, मिश्र धन है तो जब मूलधन निकालते थे तो हम क्या करते थे, मिश्र धन में से ब्याज को निकाल लेते थे, कम कर देते थे तो मूलधन मिल जाता था। अब यहाँ पे हम पहले ब्याज निकाले हैं, उसी ब्याज को इसमें से माइनस कर दिए हैं, 500 आया जो हमारा मूलधन है, और साधारण ब्याज वाले फार्मूले से हम रेट निकाल लिए, रेट कितना मिला, 5%। तो चीजें आपको समझ में आ रही है ना कैसे करना है। और देखिए आपको मैं बता दूं, आपकी क्लास की टाइमिंग जो है मंडे टू फ्राइडे जो चल रही है 7 AM पे चल रही है फिजिक्स की क्लास जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा है, और 9 AM पे आपके लिए पॉलिटेक्निक और IIT के लिए ही मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, आप इसको रेगुलर देखते रहिए सभी क्लासों को। और 11 AM पे आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री, ये मेन सिलेबस है आपका जो आप रेगुलर देखिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन चाहते हैं तो। साथ ही साथ आपको 750 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, इसमें क्या होगा, आप चैप्टर को जो पढ़ लिए हैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे, क्वेश्चन आप यहां से प्रैक्टिस कीजिए, यहां से आप 750 पिछले 10 सालों में जो आए हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने रेडी हैं एग्जाम देने के लिए। तो कॉन्सेप्ट पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और चीजों को आसान करते रहिए, तो चीजें आपको समझ में आ रही है कैसे हो रहा है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आपके लिए इससे भी अभी अधिक चीजें की जाने वाली है जो आपके फेवर में होंगी, आपके लिए बेहतरीन होंगी, तो कोई भी चीज आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि सारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।